खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, शिवसेना द्वारा नवरात्रि को लेकर कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि नवरात्रि एक हिंदू आस्था का त्यौहार है, जिससे हिंदुओं का मान सम्मान जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों से इस हिंदू धर्म के त्यौहार को फैशन के तौर पर देखा जाने लगा है। गरबे के पहनावे के कारण तथाकथित लोग नवरात्रि को लवरात्रि नाम देने लगे हैं। इसीलिए शिवसेना मांग करती है कि गरबे के पहनावे को लेकर गरबा समितियों पर कुछ नियम और शर्तें लागू की जाएं। साथ ही भोपाल में विभिन्न स्थानों पर देर रात्रि तक गरबे का आयोजन होता है, जिससे महिलाओं के साथ अनहोनी होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन पर अधिक दबाव होता है और किसी अनहोनी की स्थिति में पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनन्य है। इसलिए गरबे का समय रात्रि 10 बजे तक ही रखा जाए। मूर्ति ले जाने के दौरान और चल समारोह के दौरान डीजे की अनुमति दी जाए। साथ ही रोड में जहां पर गड्ढे हैं उनको भरवाने के आदेश दिए जाएं, क्योंकि जब बड़ी मूर्तियों को लाया या विसर्जन के लिए ले जाया जाता है तो बड़ा हादसा होने की संभावना रोड में होने वाले गड्ढों के कारण ज्यादा होती है। मूर्ति विसर्जन के दौरान निःशुल्क क्रेन की व्यवस्था की जाए, शराब पर पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ ही शिवसेना द्वारा गरबे पर कुछ पाबंदियां अवश्य ही लगाए जाने के प्रशासन से मांग की है। के सम्मान में शिवसेना मैदान में, भारतीय संस्कृति के सम्मान में शिवसेना मैदान में, भारतीय संस्कृति के सम्मान में शिवसेना मैदान में। आज ज्ञापन सौंपा है आपने, किस चीज को? शिवसेना द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है। जिस तरीके से गरबा को एक नवरात्रि हिंदू आस्था का विषय है, लेकिन उसको एक वासना का नाम दिया जाने लगा कुछ तथाकथित लोगों द्वारा, साथ में नवरात्रि का नाम लवरात्रि दिया जाने लगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं और साथ में गरबा महोत्सव समिति से मांग करते हैं कि उसमें पहनावे पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारी संस्कृति गरबा महोत्सव में ये नहीं कहती कि हम गलत तरीके के पहनावे में आएँ, उसके लिए कुछ नियम शर्तें लागू की जाएँ, नहीं तो शिवसेना इसके लिए उग्र प्रदर्शन करेगी। साथ ही गरबा समिति से आग्रह है कि आईडी कार्ड पर पारिवारिक लोगों को उसमें एंट्री दी जाए, कोई सिंगल व्यक्ति जाता है उस पर एंट्री ना दी जाए। सेकंड बात है, गरबा जो समय का टाइम है उसको 10 बजे तक किया जाए। मैं मानता हूँ कि नवरात्रि देवी जी का आस्था का विषय है, लेकिन इसके कारण पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी रहती है। हमारी बहन बेटी देर रात्रि तक जाती हैं, आने जाने में कोई हादसा होने की संभावना रहती है तो बाद में पुलिस प्रशासन भी बदनाम होता है। तो हम चाहते हैं इसका समय रात में 10 बजे तक किया जाए। डीजे को लेकर भी आपत्ति जताई आप? जी जी, डीजे को लेकर हमारी आपत्ति है कि भाई जब इस ध्वनि प्रदूषण होता है, ऐसा प्रशासन का कहना है, देवी को लेने जाना है विसर्जन में डीजे पर प्रतिबंध लगाया है, तो आपको प्रतिबंध लगाना है तो आप गरबा पे लगाइए प्रतिबंध। गरबा का टाइम कीजिए, कम कीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो ज्यादा साउंड लगे रहते हैं, वहाँ पे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। शिवसेना उग्र गरबा चलेगा तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे इसमें? शिवसेना उग्र प्रदर्शन करेगी इसके लिए। शिवसेना के लोग वहाँ पे डंडे के साथ खड़े रहेंगे, जो भी अन्याय होता हुआ दिखेगा, हमारी माओं के खिलाफ बात होगी, हम उसके खिलाफ जाएंगे। उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। कहाँ कहाँ खड़े होंगे आप? जहाँ जहाँ पे गरबा समिति होगी वहाँ पे हम एक एक दिन टाइम नियोजित करेंगे, समय अपनी रूपरेखा बनाएंगे कि कहाँ पे कितने बजे खड़े होना है, कितना टाइम देना है। हम लोगों ने इसके पहले आप लोगों के माध्यम से समझाइश दी, इसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग समझाइश दे चुके हैं। अभी आप कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, तो क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल, जो कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि आए थे तो उन्होंने बोला हम कलेक्टर साहब तक अपनी बात पहुंचा देंगे और जितना भी हमसे संभव हो जाएगा हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। कलेक्टर की गाइडलाइन तो कोई मानता नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? शिवसेना की गाइडलाइन तो मानेगा ना, शिवसेना का नियम है आवेदन निवेदन, और नहीं मानेगा तो दे देना था, हम उसके लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। कोई भाई साहब बताइए, आज ज्ञापन दिया है आपने? आज हमने ज्ञापन दिया है, एक गरबा में जो अश्लील कपड़े पहना के उनको महिलाओं हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्भाग्य किया जाता है, जैसे कि जैसे कपड़े को ओपन पहनाया जाता है, उनको जाने गरबा के साथ लवरात्रि का भी नाम दिया जा रहा है। अब हम लोग हमने ज्ञापन दे दिया, निवेदन कर दिया,
अगर ये नहीं मानते हैं तो शिवसेना दे दनादन करेगी, इसके लिए हम थाने में जाने हैं, जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। वहीं एक बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर बैन था, उसके बावजूद बढ़िया मूर्तियां रखाई। ये बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर जो बैन था, तो और भी हमारे देश में समाज के लोग हैं उनके ऊपर कुछ इसी प्रकार का बैन नहीं लगाया जाता है, केवल हिंदू समाज के ऊपर ही बैन लगाया जाता है। लेकिन हमारी हिंदू समाज भी कट्टर है, जो शासन प्रशासन को नहीं मानती है, कहीं भी कोई भी 5 फीट की मूर्ति नहीं रखना। ऐसे शासन प्रशासन की ना तो कोई परवाह करता है, ना ही जो लोग कोई कार्रवाई कर सकते हैं। विसर्जन के समय कोई अनुमति हुई तो उसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन है? जो समिति के जो भी कार्यकर्ता हैं, समिति अध्यक्ष है, वो जिम्मेदार होता है, इसमें शासन प्रशासन कोई जिम्मेदार नहीं होती है। इनके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग प्रशासन ध्यान में रखेगा, और रास्तों की बात की है कि रास्ते में जो गड्ढे वगैरह हैं उनको भरवाने का, उसके लिए पहले भी हमारा जिला प्रशासन की ओर से, कलेक्टर महोदय की ओर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं संबंधित विभागों को, और हम ये ज्ञापन उन तक पहुंचा देंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम है आपकी आवाज़।